मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का मेरे चैनल मुंबई स्पाइस में प्यार भरा वेलकम है। आज मैं बनाऊंगी कढ़ाई चिकन। इसके लिए यहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने 500 ग्राम चिकन ली है, दो बड़े साइज के टमाटर को बारीक काट लिया है, दो टेबल स्पून अदरक का पेस्ट लिया है, दो टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, एक कप दही लिया है। हमने यहाँ पर तीन मीडियम साइज की शिमला मिर्च ली है, एक बड़ी साइज का प्याज लिया है। इसे हमने बड़ी बड़ी साइज में काट लिया है। हमने चार हरी मिर्ची को काट लिया है और अदरक के हमने जूलियंस बना लिए हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिया है। हमने कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1/2 कप तेल ऐड करेंगे। तेल को हम हल्का गर्म हो जाने देंगे। तेल हल्का हल्का गर्म हो चुका है, हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। हम चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो रही है, इसका कलर चेंज होने लगा है। हम इस स्टेज पर इसमें जायके के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए चिकन का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है, बहुत अच्छे से पक चुकी है। हम इस स्टेज पर इसमें दही ऐड करेंगे। हम अभी 1/2 कप ही दही ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। चिकन और दही बहुत अच्छे से साथ में पक चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करके कवर कर लेंगे। हम 5 से 7 मिनट के लिए लिड को कवर करके पकने देंगे। हम लिड को ओपन करेंगे। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे।
अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने मसालों को बहुत अच्छे से भून लिया है। इसमें हम हल्दी, लाल मिर्ची और धनिया का पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने सारे सूखे मसालों को बहुत अच्छे से 2 मिनट भून लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने बहुत अच्छे से सारे मसालों को भून लिया है। हम 2 मिनट के लिए लिड को कवर कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हम लिड को ओपन करेंगे। देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुने जा चुके हैं, ऑयल रिलीज होने लगा है। हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम कढ़ाई को 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। हम लिड को ओपन करेंगे। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुना जा चुका है, ऑयल रिलीज होने लगा है। इसमें हम 1/2 कप बचा हुआ दही ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 2 मिनट के लिए कढ़ाई को कवर कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। लिड को ओपन करेंगे। इसमें हम कटे हुए प्याज और शिमला मिर्ची को ऐड कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई चिकन बिल्कुल रेडी होने आई है। हम इसमें पिसी हुई सौंफ ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम कढ़ाई को 1 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। हम लिड को ओपन करेंगे। देखिए हमारी कढ़ाई चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हम स्टोव को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। कढ़ाई चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने इसे कोरिएंडर और जिंजर जूलियन से गार्निश किया है। माशाल्लाह हमारा कढ़ाई चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बड़ी ही अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे पराठे और ज़ीरा राइस के साथ। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं।